वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि काली वर्दी वालों के काले करतूत कंसकोट में साफ नजर आ रहे हैं। कंसकोट में पुलिस की मुसाफिर बसों को रोककर रिश्वत कलेक्शन मुहिम जारी है। सादा कपड़ों में SHO बख्शापुर इमाम बख्श ब्रोही लोगों में घुल मिलकर रिश्वत वसूल कर रहे हैं। जी हाँ, ये सूरत हाल है अंदरूनी सिंध। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। हुजूर बख्श, क्या तफसीलात हैं? वर्दी वालों के काले करतूत साफ नजर आ रहे हैं। जी मैं बिल्कुल, ये सही बात है आपकी। मैं बताता चलूँ कि ये SHO जो सिविल ड्रेस में है, SHO बख्शापुर इमाम बख्श ब्रोही मुसाफिर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चेकिंग के बहाने से बड़े खूबसूरत अंदाज से उनको रिश्वत दी जा रही है और वो ले रहा है। उसकी जेब में रिश्वत डाली जा रही है क्योंकि उसका डर और खौफ है कि आम सीधा साधा जो लोग आ रहे हैं रास्ते में उनको खड़ा करके अपने पुलिस के दबाव से उनसे रिश्वत उन पर ड्यूब की कर दी गई है, जो कि वो खुद ब खुद उनको रिश्वत जेब में डाल रहे हैं और वो बखुशी अपने मोबाइल में जाकर बैठते हैं और वो मुसाफिरों से इसी तरह से लूट रहे हैं खुलेआम। मगर कोई भी आला हुकाम ने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। SSP साहब से इस हवाले से जब रब्ता करने की हमने कोशिश की तो रब्ता न हो सका SSP से। मगर इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि ये SHO इमाम बख्श ब्रोही खुलेआम मुसाफिरों से आने जाने वाले मुसाफिरों से लूटमार में मसरूफ है। जी ठीक है, रिश्वत कलेक्शन मुहिम जारी है। आला हुकाम ने कोई नोटिस नहीं लिया है। सादा कपड़ों में SHO इमाम बख्श ब्रोही लोगों में घुल मिलकर रिश्वत वसूल कर रहे हैं। इसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे हुजूर बख्श मंगी। आपका शुक्रिया।